नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज चंदन स्वामी के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक्साइज पॉलिसी जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को ईडी की किसी भी दंडात्मक कार्यवाही से राहत नहीं दी है और इसके कुछ ही घंटों के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर आलोचना की और कहा है कि एक मरा हुआ तानाशाह लोकतंत्र का नाश करना चाहता है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर केजरीवाल को निशाना बताया है और कहा है कि उनकी गिरफ्तारी गलत है और असंवैधानिक है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने उनके परिवार से संपर्क साधा है और मदद की पेशकश भी की है। न्यूज एजेंसी एनआई द्वारा सूत्रों के हवाले से दी गई खबर के अनुसार राहुल गांधी ने केजरीवाल परिवार से संकट के समय पर हर तरह की मदद की बात की और इस मामले में ईडी को अब तक 6 आरोप पत्र दाखिल किए हैं और कुल 128 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क कर ली है। इसके अलावा अधिकारियों ने कहा है कि केजरीवाल को पहले 6 समन जारी कर दिए गए थे जिनको वह अवैध ठहरा रहे हैं।